ऑपरेशन इंद्रावती जो है इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है। भारत ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। इस ऑपरेशन का इंद्रावती नाम है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट। डोमिनिकन रिपब्लिक, उनके पड़ोसी मुल्क, अभी अभी हमारी रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं और बाकियों को भी निकाल लिया जाएगा। और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती। तो ये हो सकता है चाइनीज भी एक्टिव हो गए हों, उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया हो टू प्रोटेक्ट द मैन। ऐसे इंडियन वहां के निजाम में अपने आप को घुसा देते हैं। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है, जो उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहां पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। वजीर आजम कह रहे थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, उनके कपड़े बिक गए लेकिन आटा सस्ता नहीं हुआ। बर्तानिया के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड जो इमिग्रेंट्स हैं वो पाकिस्तानी। जिस किस्म का असलहा अमेरिका भारत को दे रहा है, जबकि पाकिस्तानी उसके बाद भी वही पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीटीआई और इन चक्करों में पड़े रहते हैं। तो भाई धक्के मार के बाहर निकालता है पाकिस्तानियों को, इसीलिए उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बनाना चाहता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भी मेंबर बनाना चाहता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पूरी दुनिया में अगर हम बात कीजिए, पूरी दुनिया तरस रही है कि भाई हम इंडिया के अंदर जाके कारोबार करें। ऑपरेशन इंद्रावती जो है, इसके बारे में बताइएगा हमारे देखने वालों को, जो इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है उसके बारे में, कि क्या वहां पर वजूहत क्या बनी थी और ये सारा मामला क्या हुआ। सर 2021 में हेती मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं जोवेनेल मोइशे, इनका असैसिनेशन हो गया। जब इनको असैसिनेट किया गया तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे एरियल हेनरी, वो डिफेक्टो लीडर बन गए हेती के, और उनको पूरी दुनिया के मुल्कों की सपोर्ट थी, बहुत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की सपोर्ट थी, तो वो उस तरह बन गए। तब से पॉलिटिकल ग्रुप हेती के अंदर ये कर रहे थे कि भाई तुम इलेक्शंस करवाओ, दूसरी नई लीडरशिप को मौका दो, ठीक है, इलेक्शंस करवाओ, बेसिकली इलेक्शन के जरिए नई लीडरशिप को आने दो, तुम डिफेक्टो इस तरीके से नहीं बन सकते। तो ये नहीं करवा रहा था, तो फिर क्या हुआ, वहां पर एक सिविल वॉर, एक है ना छोटे किस्म की सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसके अंदर पॉलिटिकल ग्रुप्स और कुछ सिविलियन ग्रुप्स जो हैं वो हेती में आपस में लड़ पड़े। नहीं, आपस में नहीं लड़े, उन्होंने की एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला करना शुरू कर दिया, कभी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे कर दें, कभी पुलिस स्टेशन पे करते हैं, कभी रेलवे स्टेशन, कभी एयरपोर्ट, कभी कहां कभी कहां कभी कहां करते हैं। तो वो इस तरीके से करते गए करते गए। फिर क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने जाके वहां पर जेल पे हमला कर दिया। अच्छा, हेती की सबसे बड़ी जेल जहां पर सबसे खतरनाक लोगों को रखा जाता है, जब जेल पे हमला किया वहां से हजारों कैदी भाग गए। जब हजारों कैदी भाग गए तो अब पूरे हेती जो पूरा मुल्क है उसके अंदर गैंग वॉर चल रही है, गुंडे ही गुंडे हैं रोडों पे, तो अब पूरा दुनिया वहां से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। तो वहां पर करीब 75 से 90 इंडियंस हैं हेती में। अच्छा, 75 से 90, जिसमें से छोटा सा मुल्क है मेरे ख्याल से। हाँ, छोटा सा कैरेबियन मुल्क है, कैरेबियन का। तो वहां पर कोई 60 इंडियंस ने रजिस्टर किया है एमईए के साथ कि हमें निकालो। उन 60 में से 12 इंडियंस डोमिनिकन रिपब्लिक, उनके पड़ोसी मुल्क, अभी अभी हमारी रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं और बाकियों को भी निकाल लिया जाएगा। और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई, इसके साथ एक और है कि RD-33 जो फाइटर जेट इंजन है वो अब इंडिया में बनना स्टार्ट हो गया है या हो रहा है, इसके बारे में हमें बताइएगा। रशियन कंपनी है सर, क्लिमोफ ये सर इंजन बनाती है, RD-33 बनाती रही, और इस इंजन का सर इस्तेमाल MiG-29, MiG-33, MiG-35, चाइना का शेंजिंग FC-31 और पाकिस्तान का JF-17 थंडर, इन 5 फाइटर जेट्स में होता था। कल एक ही इंजन, यानी यह फर्क होता थोड़ा, या एक ही इंजन है बस 19-20 का फर्क, लेकिन मेन इंजन वही होगा इन सारे जहाजों। ठीक है। तो कल 24 घंटे पहले HAL के साथ MOU साइन हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, अब ये इंडिया में कंप्लीट इंजन बनेगा A to Z, और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी गई है। सुनने में आ रहा है कि आने वाले 1 या 2 साल बाद रशिया की जो कंपनी क्लिमोफ ये इंजन बनाना बंद कर देगी। तो इसके बाद मतलब अगर चाइना को और पाकिस्तान को अगर इंजन चाहिए या स्पेयर पार्ट चाहिए मेंटेनेंस के लिए, तो इंडिया से मांगने पड़ेंगे।
तो ये पॉसिबल है या पाकिस्तान को अपने अपने तैयारी पर ग्राउंड करने पड़ेंगे? अब देखें क्या सर, ये देखे ना, हमारी सोच ही नेगेटिव हो गई, हम लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी, क्या पता इसी बहाने रिश्ते अच्छे हो जाए। हाँ, ये भी है, ये सोच हमारे दिमाग में नहीं आती क्योंकि हमें पता ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोगों ने वो सपने देखना ही छोड़ दिए। देखिए, हम सब्जी तो ले नहीं पाते, हम प्याज तो ले नहीं पाते इंडिया से, तो हमने पुर्जे कहाँ से लेने और जेट इंजन कहाँ से लेना उनसे? सर लेना तो है, इंडिया देगा नहीं देगा बात वो है, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक दुश्मन मुल्क, ये भाई फाइटर जेट इंडिया से लड़ेंगे ना, तो इंडिया अपनी मौत का सामान क्यों बेचेगा? नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। अच्छा भाई, मालदीव आर्मी, मालदीव का आपको पता ही है कि क्या हालात बने हैं, जब से भारत के साथ उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, तो बेचारे वो पीछे से पीछे पीछे से पीछे जा रहे हैं, तो उनकी आर्मी भी जो है मिजो के खिलाफ हो गई है, तो उसकी रीजन क्या बताई जा रही है, क्यों खिलाफ हुई है उनकी आर्मी? आर्मी सर कोई खिलाफ विलाफ फिलहाल तो इतनी खिलाफ नहीं हुई है, वो अलग बात है कि खिलाफ होने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मालदीव में भी एक बार डिक्टेटरशिप लग चुकी है, कोशिश हुई है डिक्टेटरशिप की, लेकिन मालदीव की आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो जो तुम खुलेआम जो ये पंगे जो इंडिया के साथ ले रहे हो। ठीक है, इंडिया चाहे तो 24 घंटे से भी कम वक्त में पूरा मालदीव पे ना कब्जा हो जाएगा। ठीक है, तो कहां हमारी 5 लाख की आबादी, न्यू दिल्ली के एक कॉलोनी में 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, तो ये उसने उसको एक तरीके से एक होता ना ब्लैकमेल नहीं किया पर एक थ्रेट समझाया है कि भाई तुम जो कर रहे हो ना ये फ्यूचर में पता चला हमारा मुल्क ही अच्छे चला जा, इस तरह मत करो, इतना भी अंधाधुंध चाइना की गोद में, क्योंकि चाइना नहीं बचाने आने वाला। वैसे ही देखें वो इंटरनेशनली एक फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो कंट्री है और दुनिया के अंदर जो है वो छाता जा रहा है और पूरी दुनिया जो है वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है, पीछे अग्नि मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया तो जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में उन्होंने लॉन्च किया, तो कई ममालिक ऐसे हैं जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमें जो है ये टेक्नोलॉजी दे दो, तो अब इंडिया की ये जो है वो इमेज बन चुकी है कि दूसरे बड़े ममालिक जो हैं वो इंडिया से रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि भाई हमें जो है ये टेक्नोलॉजी दे, और दूसरी तरफ आपने बात की कि 3,000 यूके के फ्री वीज़ाज दे रहे हैं, तो इंडिया देखें एजुकेशन वाइज में भी पाकिस्तान से बहुत आगे, अगर उनसे उनके छोटे छोटे बच्चे से आप बात कर लें तो इंग्लिश में बात करते हैं, उनकी एजुकेशन में अगर देखें तो फ्री एजुकेशन वो प्रोवाइड करें, अगर हमारे इधर पाकिस्तान में बात करें तो हमें फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, चाहे गवर्नमेंट का स्कूल हो चाहे प्राइवेट का स्कूल हो, गवर्नमेंट भी वही फीस चार्ज कर रही है जो प्राइवेट फीस चार्ज कर रही है, मैं खुद जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ, वो सबसे ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, तो इस आर्मी पब्लिक वाले बिल्कुल उसमें कोई कंसेशन नहीं देते कि भाई आप आर्मी के हैं या कोई ऐसा वैसा नहीं, उन्होंने फुल चार्ज करनी है, तो वहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने आम आवाम को इतना फैसिलिटेट करते हैं, हॉस्पिटल्स फ्री हैं वहाँ पे, एजुकेशन वहाँ पे फ्री है, उसके बाद घर में वो राशन फ्री देते हैं, वार्ड्स बिजली के वो फ्री देते हैं, मतलब कि आम जो लोगों की जो टेंशन होती हैं वो उन्होंने खत्म कर दी हुई हैं, तो उन्होंने गैस सिलेंडर पे भी 100 रुपया कम कर दिया, बिल्कुल इसी तरह वो उन्होंने ऐसी ऐसी अपने आवाम के लिए जो है वो फैसिलिटेट कर दिया है कि वो आवाम अब ज़हनी तौर पर उनकी टेंशन जो है वो कम हो चुकी है।